दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडरलस्ट। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि किसी अच्छी जगह पे खाना खाया जाए, कोई ऐसी नई जगह हो जो आप लोगों ने कभी ना देखी हो। तो मैं बहुत दिनों से ऐसी जगह की तलाश में था कि कोई अनोखी और कोई बढ़िया जगह मिले जहाँ पे फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस लिया जा सके। तो आज मैं एक आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ जो अपने आप में बहुत ही अनोखी और बहुत ही शानदार है। वो इसलिए क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक एरोप्लेन के अंदर और वहाँ पे करने वाले हैं लंच। आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे अक्सर लोग फ्लाइट्स में जाते हैं इधर उधर शहरों में या अलग अलग देशों में, तो वहाँ पे लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी होता है, वो जो भी फ्लाइट में मिलता है वो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक बिल्कुल रियल प्लेन के अंदर और वहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं फाइन डाइनिंग का। मतलब यहाँ पे एक ऐसा प्लेन है जिसमें आप बैठ के खाना खा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई फ्लाइट बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा और सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं एक प्लेन के यानी एरोप्लेन के विंग्स पे बैठा हुआ हूँ इस वक्त। तो अंदर जो डाइनिंग है, अंदर डाइनिंग एरिया है, उसका जो एंट्री टिकट है वो पर पर्सन 200 रुपये है। तो ये जो 200 रुपये पर पर्सन होते हैं, तो जो आपका फाइनल बिल होता है, जो आप जो भी कुछ खाते हैं तो उसमें से माइनस हो जाता है।
दोस्तों जो मैंने खाना मंगाया था उसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक गार्डन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जिसमें चीज़ था और वेजीज थी, तो वो जो पिज़्ज़ा था वो 385 का था और मैंने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की थी 110 रुपए की थी, और मैंने चीज़ गार्लिक ब्रेड ऑर्डर की थी जो 210 रुपए की थी। तो मेरा जो बिल आया उसमें से मेरा एंट्री टिकट का जो प्राइस था वो माइनस हो गया। और खाने के बारे में बताऊँ तो खाना एवरेज था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था, ठीक ठाक था। लेकिन मैं यहाँ पे खाने की वजह से नहीं आया था, यहाँ पे मैं एरोप्लेन में बैठ के जो फूड इन्जॉय करते हैं वो जो एम्बियंस होता है उसका एक्सपीरियंस करने आया था। तो खाना तो मुझे दिल्ली में बहुत सारी जगह पता है, मैं कहीं पे भी बहुत अच्छा खाना खा सकता हूँ इससे काफ़ी कम प्राइस में। लेकिन यहाँ पे मैं जो एम्बियंस देखना चाहता था वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अंदर सेटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है और बिल्कुल जैसे फ्लाइट में जो एरोप्लेन के अंदर जो सीट्स होती हैं उस तरह की बना रखी है, और ये एक्चुअल में एक रियल एरोप्लेन है, एयरबस है, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे रख के सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। और यहाँ पे इसके जो विंग्स हैं यहाँ पे भी ये लोग पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज़ होती है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें तो आपको एडवांस बुकिंग करनी होगी और 5000 रुपये कपल के होते हैं, तो दो लोगों के लिए 5000 रुपये लगते हैं, जिसमें फ़ूड होता है आपके लिए सारा कुछ और एक बुके भी मिलता है। तो उसकी बुकिंग जो है वो पहले से करनी पड़ती है, ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे बुक भी कर सकते हैं। तो ऑल ओवर जो फूड था वो एवरेज था, ठीक ठाक था, और एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा था और एरोप्लेन के अंदर बैठ करके जो खाने की फीलिंग होती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो जिस तरह का एम्बियंस मैं सोच रहा था कि होगा बिल्कुल वैसा ही एम्बियंस था, कोई शोर शराबा नहीं, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था, वेटर्स सारे ड्रेस में थे और एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, फूड भी ठीक ठाक था। दोस्तों मेट्रो वॉक जो मॉल है इसके अंदर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे शॉपिंग के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है ही, मॉल है एक, और दूसरा खाने पीने के लिए कई सारे ऑप्शन है, मैकडी, बर्गर किंग और बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे एक लेक भी बनी हुई है, आर्टिफिशियल लेक, जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो, 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है उसके, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ में जो मैंने आपको रनवे वन रेस्टोरेंट दिखाया वो तो खाने पीने का ऑप्शन है ही, साथ में एडवेंचर आइसलैंड भी है जहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए, तो उसका टिकट है 500 रुपये पर पर्सन, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्जॉय करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया राइड्स हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो इस मॉल के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप इन्जॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि मेट्रो वॉक मॉल आपको पहुँचना कैसे है। अगर आपको मेट्रो वॉक मॉल आना है तो ये जो है ये दिल्ली के रोहिणी से आगे जो रिठाला एरिया है, रिठाला नाम की जगह है, वहाँ पे पड़ता है। तो आप रिठाला पे आएंगे कैसे, अगर आप दिल्ली मेट्रो से आ रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन जो है उसको ले लीजिए और उसका लास्ट स्टॉप है रिठाला नाम से, तो वहाँ पे उतर जाएंगे। तो मेट्रो स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे कई सारे ई रिक्शा और ऑटो खड़े होंगे, तो अगर आप ई रिक्शा लेंगे तो 20 रुपये में या 10 रुपये में
आपको मेट्रो वर्क मॉल तक पहुंचा देगा। तो ये था आज एरोप्लेन रेस्टोरेंट का वीडियो, जहां पे मैंने आपको दिखाया कि एक एरोप्लेन के अंदर किस तरह से फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस मैंने किया। और तो आपको आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।